A very good morning, students. Today we are going to start a new chapter. The name of the chapter is A Busy Morning. चलिए start करते हैं. One bright Monday morning, Varun and Riya were getting ready to go to school. एक बड़ी सुहानी सुबह थी और वरुण एंड रिया जो थे दोनों स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहे थे. As they opened the door to leave, they met Raghu uncle, the postman. He had come to deliver letters. जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला जाने के लिए, उनको दरवाजे पर कौन मिला? रघु अंकल मिले, जो कि एक पोस्टमैन थे और वो चिट्ठियां देने आए थे. गुड मॉर्निंग, सेड द पोस्टमैन. गुड मॉर्निंग रघु अंकल, आर यू बिजी टूडे? आस्क्ड रिया. तो पोस्टमैन अंकल ने कहा गुड मॉर्निंग. तो रिया ने भी बोला गुड मॉर्निंग रघु अंकल, आज आप बहुत बिजी हो क्या? यस रिया, आई हैव लॉट्स ऑफ लेटर्स एंड पार्सल्स टू डिलीवर टू सो मेनी हाउसेस, रिप्लाइड द पोस्टमैन. पोस्टमैन ने जवाब दिया कि हाँ रिया, मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास बहुत सारी चिट्ठियां हैं, पार्सल्स हैं जो मुझे बहुत सारे घरों में डिलीवर करने हैं, रख देने हैं, देकर आने हैं. दैट्स अ गुड जॉब दैट यू डू, डिलीवरिंग पीपल्स लेटर एंड पार्सल्स, यू वर्क सो हार्ड, सेड रिया. तो रिया ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी जॉब है, आप सबके घर घर में लेटर देकर आते हो, पार्सल्स देकर आते हो, आप कितना मेहनत करते हो. मीनवाइल वरुण सॉ द गार्बेज ट्रक ऑन द रोड. He ran to the front gate and said, "Look, mother, here comes a garbage truck with men to collect the bins." तभी क्या हुआ? वरुण ने देखा कि सड़क पे कचरा इकट्ठे करने वाला ट्रक भी आ गया है. तो वो बाहर के गेट तक गया और मम्मी से बोला कि देखो मम्मी, यहाँ पे गार्बेज लेने वाला ट्रक भी आ गया है. That's right, वरुण said his mother. तो उसकी मदर ने कहा हाँ ठीक है वरुण, ओके. They empty the bins into the back of the truck and then they take the garbage to a special place to recycle it all. तो फिर उसने बोला कि ये देखो सारी चीजें जो हैं ये ट्रक के पीछे वाले हिस्से में भर लेते हैं और फिर ये सारे गार्बेज को, मतलब सारे कचरे को एक जगह लेकर जाते हैं जहां पे वो उसे रिसाइकिल करते हैं. तो रिसाइकलिंग मतलब जैसे पुरानी चीजों को दोबारा से नई यूजफुल चीजों में बदलना, उसको रिसाइकलिंग कहते हैं. Wow, that is so clever. Recycling is good for our environment, said Varun. तो वरुण ने कहा अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है हमारे environment के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए recycling बहुत अच्छी चीज़ है. Come on then, Riya and Varun get into the car and we need to go to school, said the mother. तो मदर ने कहा कि रिया वरुण चलो जल्दी से कार में बैठो, हमें स्कूल जाना है. The two got into the car and their mother made sure that they were safely strapped into their car seats with their seat belts on. और दोनों जब कार के अंदर बैठ गए तो उसकी मम्मा ने देखा और ये इंश्योर किया कि उन दोनों ने सेफ्टी बेल्ट या फिर सीट बेल्ट लगाए हुए थे. ऑन देयर वे टू स्कूल अ बिग रेड फायर इंजन रश्ड पास्ट देम फ्लैशिंग इट्स लाइट एंड साउंडिंग इट्स सायरन. रास्ते में उनको एक बहुत बड़ी सी फायर इंजन मिली, मतलब कि जो दमकल हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में आप उसे बोलेंगे फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी होती है वो गई और उसमें ऊपर लाइट जल रही थी और सायरन बजा रही थी. वेयर इज इट गोइंग, आस्क्ड वरुण एक्साइटेडली. तो वरुण ने पूछा ये कहाँ जा रही है मम्मी? अ हाउस और सम अदर बिल्डिंग मस्ट हैव कॉट फायर. तो रिया ने कहा कि किसी घर में या किसी बिल्डिंग में आग लग गई होगी. दे हैव बीन कॉल्ड टू पुट इट आउट एंड हेल्प द इंजर्ड पीपल. तो लोगों ने कॉल करके बुलाया होगा आग बुझाने के लिए और लोगों की हेल्प करने के लिए, सेड द मदर. मदर ने कहा What will they do? asked Riya. तो रिया ने पूछा मम्मा ये क्या करेंगे? The firefighters will help the people get safely out of the building, said Riya's mother. तो रिया की मदर ने बोला कि जो firefighters हैं वो लोग क्या करेंगे, दूसरे लोगों की जो बिल्डिंग में फंसे हुए लोग हैं उनको बाहर निकालेंगे safely. As they arrived at school, Riya saw a white rabbit near the school gate. It appeared to be someone's pet that has escaped and was now lost. तो क्या हुआ कि जैसे ही वो स्कूल पहुंचे तो रिया ने एक वाइट कलर का रैबिट देखा स्कूल के गेट पर. ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी का पेट था और वो मतलब कहीं से भाग आया था किसी के जिसके यहाँ का भी पेट था और अब वो खो गया था. वरुण एंड रिया गॉट आउट ऑफ द कार टू कैच इट. वरुण एंड रिया बाहर निकले उसको पकड़ने के लिए. देयर मदर टोल्ड देम टू वॉक स्लोली towards it so that it did not get frightened. तो मदर ने कहा धीरे धीरे जाओ ताकि वो डरे नहीं. रिया managed to pick up the rabbit in her arms. रिया ने उसे अपने arms में उठा लिया, अपने हाथों में उठा लिया. What shall we do with it, mother? तो रिया ने पूछा मम्मी हम क्या करें इसका? I will take it to the vet to see if he can help find its owner. तो
तो उसने कहा कि मैं इसे वेट के पास लेकर जाऊंगी, जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं उनको आप वेट कहते हैं, वेटरनरी डॉक्टर शॉर्ट फॉर्म में वेट कहते हैं। शी देन केयरफुली प्लेस द रैबिट इन अ बॉक्स, पुट इट इन द कार एंड टुक इट टू द वेट। फिर उन्होंने रैबिट को एक डब्बे में रखा और ध्यान से उसको गाड़ी में रख के ले गई वेट के पास। द वेट हैड ऑलरेडी रिसीव्ड अ फोन कॉल फ्रॉम अ गर्ल हु हैड लॉस्ट हर रैबिट फ्लफी। तो जो वेटरनरी डॉक्टर था, मतलब उसके पास ऑलरेडी कॉल आ चुका था एक लड़की का जिसका रैबिट खो गया था, उसका नाम फ्लफी था। ही चेक्ड द रैबिट टू मेक श्योर दैट इट वॉज नॉट इंजर्ड। उसने रैबिट को चेक किया कि कहीं उसे कोई चोट तो नहीं लगी है, एंड देन कॉल्ड द गर्ल टू टेल दैट फ्लफी वॉज सेफ एंड शी कुड कम एंड टेक इट होम। और फिर उसने कॉल किया उस लड़की को कि आओ अपना आके रैबिट ले जाओ। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है, और आपको चैप्टर समझ आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप वापस से वीडियो को रोक कर पीछे से देखिए, वापस से देखो, जितनी बार समझ नहीं आता है उतनी बार देखो ताकि आप अच्छे से चीज़ों को समझ सकें। और फिर भी समझ नहीं आता है तो मुझसे पूछिए, आई विल श्योरली सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम्स। चलिए तो पढ़ते रहिए, बी सेफ, कीप लर्निंग, बाय बाय।